यह वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए बनी है, इसे देखकर सिर्फ हंसिए। अगर कुछ भी देखकर आपको बुरा लगता है तो रो लीजिए, लेकिन वीडियो को बंद मत कीजिए। अगर बंद किया तो मार पड़ेगी बहुत। धन्यवाद। गुड़िया, कल तू मेरे साथ नवरात्रि का व्रत रखेगी, थोड़ा साथ हो जाएगा। नहीं मम्मी, मैं भूखी नहीं रह सकती सारा दिन। भूखी नहीं रह सकती का क्या मतलब है? जब अपनी मर्जी से तुम डाइटे शाइटे फॉलो करके भूखे रहते सारा दिन, वो तुम्हें भूख नहीं लगती तब? तुम्हारा ना वजन वजन कम नहीं होगा, पाप ही कम कर लो। मेरी मम्मी ना कैरी मिनाटी से भी ज्यादा अच्छा रोस्ट करती है। मम्मी मैं व्रत रखूं? नहीं बेटा, तू नहीं रह सकती भूखी सारा दिन। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी प्लीज, मुझे व्रत रखने दो ना प्लीज। जग्गू पुत्तर, फिर तू मेनू ही तंग करेगी। मम्मी कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं पक्का पक्का, मैं पक्का पक्का आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मम्मा प्लीज व्रत रखने दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रख ले व्रत तू, लेकिन मेनू तंग मत करे जब भूख लगेगी तो। ये थैंक यू मम्मा। सीख ले कुछ अपनी छोटी बहन से। नेक्स्ट मॉर्निंग। खाने का इतना दिल कर रहा ना, लेकिन खा नहीं सकती। जग्गू बेटा, कोई फ्रूट फ्राट या कुछ खाने के लिए दे दूं? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, आज तो मम्मी ने आलू का पराठा बनाया है। यम्मी। मम्मी एक और पराठा दे दो मुझे। आज तो मैं 3-4 खा लूंगी, इतना अच्छा पराठा पहली बार बनाया। जग्गू मम्मी से जाके पराठा ला दे। मुझे भी भूख लग रही है। मम्मी कुछ खाने के लिए है? ले मौसमी दिने तेन पुत, मौसमी खा ले। मौसमी ले दे दो। मम्मी व्रत में कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? नहीं नहीं। मम्मी व्रत में मैगी तो खा सकते हैं ना? नहीं खा सकते। ठीक है। मम्मी व्रत में दाल चावल खा सकते हैं? तुझे भूख लगी है ना? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। शुक्र है मम्मी से डांट नहीं पड़ी। मम्मी जग्गू, अगर तूने मुझे कुछ खाने के लिए पूछा ना तो मारूंगी मैं तेरे। मैंने तो पहले कहा था कि व्रत मत रख, व्रत मत रख, पर नहीं, माओ को तंग करने इन्होंने। भूख लगी थी मम्मी। व्रत वाले चावल साथ में आलू दे देती हूँ, वो खा ले। वो तो बिल्कुल अच्छे चावल नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल भूख नहीं है, भूख ही नहीं है मुझे मम्मी। नहीं नहीं, मेरे को भूख नहीं है मम्मी। मैं शाम को पकौड़े बना दूंगी। शुक्र है आज जग्गू का व्रत है, इस चॉकलेट को मैं ही खाऊंगी। मैं तो कहती हूँ रोज ही व्रत रख ले। A few moments later. अपने आप को मैं फ्रिज खोलने से रोक ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो कुछ खा भी नहीं सकती इसमें। ओए, ये किसकी चॉकलेट इतनी बड़ी वाली सिल्क? एक मिनट, हाय माता जी, मेरा तो व्रत था माता जी, हाय मैंने चॉकलेट खा ली। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों को सब माफ होता है। है? बच्चों को सब माफ होता है? ये शुक्र है भगवान जी, जय माता दी। मेरा व्रत है आज। अच्छा, व्रत में ये चिप्स खाते हैं? मेरे मम्मी कहते हैं कि ना व्रत में बच्चों को माफ होता है। तो जा, मेरा चिप्स खा लिया। आ जा। अब आता है कंजक डे।
लै दीदी, नवो की मम्मी के घर से ना जग्गू छोले लेके आई थी कंजक में, इतना भर भर के अदरक लहसुन का तड़का लगाया है उसमें। नहीं बात बताओ, तुम दावत बना रहे हो कि प्रसाद बना रहे हो? मैं तो जी सिंपल जीरे का तड़का लगा के छोले बना दे, कंजक के करनी है हमने। मम्मी मुझे ना नवू की मम्मी वाले छोले दे दो, आपके तो बहुत ही गंदे बने हैं। दूध दे रहा नवू की मम्मी के छोले, जब जब मैंने बनाया ना वो खाओ। माता का प्रसाद है। नहीं जी, मेरे बच्चे सिंपल ही खाते हैं छोले, ये अदरक लहसुन का तड़का वाले छोले नहीं खाते। बेटा 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 बेटा, आशीर्वाद तो दे दो। यार ये कैसे घर में ले आई तू, इन्होंने हमारा आधा घंटा भी खराब कर दिया है ना, आरती भी करवाई और ऊपर से दिए क्या आधा घंटा वेट करवा के 10 रुपए। मैंने तो पहले कहा था पहले शीला आंटी के घर चलते हैं। तूने कब कहा था शीला आंटी के घर चलते हैं? तूने कहा था यहाँ पे चलते हैं पहले। मुझे लगा यही शीला आंटी का घर है। तुझे तो बहुत कुछ लगता है, हमारा तो बिजनेस ही खराब कर दिया। सहेलियों, हमने तुम्हें आज सिर्फ कितने पैसे कमाए? 150 रुपये। 150 रुपीस भी कोई कमाने की चीज होती है? हमारा तो सारा का सारा दिन गुजर गया है। तुम्हें पता है जो कनिका दीदी का ग्रुप है ना, उन्होंने ना 2000 रुपीस कमा लिए। मैंने भी ना एक ना नक्शा तैयार किया है मम्मा से कहला के, इससे ना हम 2000 रुपीस के खजाने तक पहुंच सकते हैं। ये देखो, ये मीनू आंटी का घर है। मीनू आंटी के घर में सिर्फ 20 रुपीस मिलेंगे। 20 रुपीस से ना सीधा हम जाएंगे शीला आंटी के घर, जहाँ से हमें मिलेगा हेयर बैंड और बैग भी मिल सकता है। हमने ना इस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना। 50 रुपीस मिलते हैं जो कि है नानी मासी के घर के पीछे, उसके बाद हम जाएंगे। कुल मिला के अगर हम कम से कम 15 से 20 घर। जग्गू, मैं भी तेरी कंजक के सामान में से एक चीज ले ली। कोई बात नहीं दीदी, आप ना ये सारा खा लो सामान। थैंक यू, ये नया खरीद लूंगी। हाँ? अरे यार कितनी अच्छी बहन है तू मेरी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मैं क्या लूं जो इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए? बार्बी डॉल लूं या बार्बी डॉल वाला बैग? रोजी आंटी का घर तो मेरा फेवरेट है, मेरा फेगो। रोजी आंटी ने की दिता है? रोजी आंटी ने टिफिन बॉक्स दिया है। चल ला सारे पैसे मैनू दे दे, मैं संभाल लांगी। हैं? अपनी माँ को शक करिए, दे दूंगी ना बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो। मम्मी मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं संभाल लूंगी। अपनी माँ पे भरोसा नहीं तुझे? दे मम्मी। सारे बच्चे अपनी माँ को पैसे दे देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सबसे बिग। बच्चों को पैसे देते हुए आपको शर्म तो नहीं आती ना? मारूंगी मैं तेरे। हेलो दीदी, रोजी आंटी ने इनको टिफिन दिया है, देख लो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। मम्मी पापा पापा पापा, यही बचका यही खा लेती हूँ। बचा है, मेरे दोस्त आए थे हमने सब खा लिया। ये बच्चों को भी खा लूंगी। ये भी नहीं बचा। हाय गाइस, तो ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा होगा आई होप। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो को लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिली रहती है, अगर कमेंट करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी, सब्सक्राइब करोगे तो खुशी बनी रहेगी, और अगर शेयर करोगे तो वीडियोस और आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।